क्या ट्विन फ्लेम्स आपको हर्ट करते हैं? क्या आप एक दूसरे को हर्ट कर सकते हो? सो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर फेसिंग दिस इन योर डायनामिक. हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम, आपको ऐसा लग रहा हो कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, डेलिब्रेटली हर्ट कर रहे हैं. सो देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस, क्योंकि वो आपके मिरर हैं. और क्योंकि वो आपके मिरर हैं, हो सकता है कि आपको ये बात मिरर कर रहे हो दैट यू आर हर्टिंग योरसेल्फ समवेयर. व्हाट डज दैट मीन? सो एक पैटर्न चलता है जिसको कहते हैं सेल्फ सैबोटाज. अगर आप एक विक्टिमहुड मेंटालिटी में चल रहे हो कि हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एंड देन सैबोटाजिंग योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने बहुत ट्रॉमा फेस किया हो, या अगर आपने रिलेशनशिप्स, अच्छे रिलेशनशिप्स कभी नहीं देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, देन यू ट्राई टू रिपीट दैट पैटर्न इन योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ आपकी फ्रेंडशिप्स अच्छी नहीं रही हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली क्या करते हो? अगर अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आते भी हैं, आप उनको पुश आउट करते हो. तो इट इज़ अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स माई फ्रेंड्स. आप इस पैटर्न को देखें. अगर आप ये कर रहे हो, देन यू नीड टू अप्लाई द मिरर एक्सरसाइज. अपना इनर वर्क करिए और इसको, इस पैटर्न को हील करके अपनी न्यू चॉइसेस लीजिए, एंड देन इनवाइट इवन बेटर रिलेशनशिप्स. नो दैट कि जब आप हील कर जाते हो, तब आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स सुधरना शुरू हो जाते हैं, टोटली एक्सपैंड होते हैं. जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं. एंड वो लोग आते हैं जो आपको आपके जीवन में सपोर्ट करते हैं, आपके इनर वर्क में, आउटर वर्क में भी सपोर्ट करते हैं. सो माई डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ लव. कहीं ना कहीं आपके अंदर ये अगर बिलीफ है दैट आई डोंट डिज़र्व लव, मेरे लिए लव है ही नहीं, मेरे लायक ही नहीं है, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, अगर आपके अंदर ये ऐसे थॉट्स घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर हर्टिंग योर सेल्फ. दैट मीन्स आपने अपनी आत्मविश्वास को हर्ट किया है. यू आर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग योर आत्मविश्वास. सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, आत्मविश्वास हो गया, एंड अ लॉट ऑफ पैटर्न्स जो चलते हैं कि आप अपने खुद की इंटीमेसी, दैट मीन्स आप खुद के इतने करीब नहीं हो, आप खुद को, अपने आप को कभी भी आपने कोशिश नहीं की करीब से जानने की. तो जब आप अपने आप को जानते नहीं हो, तो आप अपने प्रति कोई ना कोई मनगढ़ंत आइडियाज़ रखते हो कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं अच्छी नहीं हूँ तो क्या होगा. ये सब फियर्स आपके अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपना सेल्फ सैबोटाज का जो पैटर्न है कैरी ऑन करते हो. सो इसका इलाज क्या है? ऑब्वियसली डू द मिरर एक्सरसाइज, कंटिन्यू टू लव योर सेल्फ, एंड ऑल्सो आप देखो कहाँ पे आप ये पैटर्न्स आप फॉलो कर रहे हो, आप अपने आप को कहाँ कहाँ हर्ट करते हो. कई इवन डीप पैटर्न्स होते हैं कि मैं दूसरों को हर्ट करने देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, समवन इज़ ट्राइंग टू स्पीक हार्शली टू यू, इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अप एंड सेइंग कि नहीं, आप मेरे को रिस्पेक्टफुली बात करें, आप उल्टा क्या करते हो कि आप सह लेते हो उनकी बैड बिहेवियर, या सह लेते हो जो वो बोल रहे हैं. आपको किसने बोला ये करने के लिए? अगर आप ये ऐसा करते हो, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो. क्यों? क्योंकि यू आर अलाउइंग योर सेल्फ टू बी हर्ट, एंड यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन अ हर्ट्स वे. क्या आप रस्ते में डालते हो उनके जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं? दैट मीन्स आपका माइंड क्या उसको रिकॉर्ड कर लेता है, वो पार्ट को रिकॉर्ड कर लेता है कि दिस इज राइट, एंड यू स्टार्ट रिपीटिंग योर पैटर्न्स. जो वो लोग कर रहे हैं आपके साथ, वो आप अपने साथ करते हो. सो माई डियर फ्रेंड्स, जो आप अपने लिए नहीं करोगे, वो आप दूसरों को भी अलाउ ना करें. सो दैट इनसाइड आउट यू आर द सेम पर्सन, एंड यू ओनली अलाउ लव टू बी अराउंड यू. बी लविंग एंड रिसीव लव, सो दैट यू गिव लव एंड रिसीव लव. देर इज़ नथिंग एल्स बट लव इन योर लाइफ. सो अगर आप इस पैटर्न से चलेंगे, तो सैबोटाज या सेल्फ सैबोटाज या विक्टिमहुड का को तो नाम ही नहीं आता है, बिकॉज विक्टिमहुड ये कहता है कि दूसरा ही मुझे प्यार करे, या गॉड को भी कभी कभी हम दूसरा मान लेते हैं. हमें लगता है कि गॉड ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है और ये सब.
आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि अर्थ पे एक्चुअली आप अपने विलिंगली आए हो, वॉलंटियरिंगली आए हो, और जब आप आए थे तो आपने लिटरली यू बेग टू कम हेयर बिकॉज इट इज़ अ प्रिविलेज टू कम ऑन अर्थ। कहते हैं देवी देवता भी तरसते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके आपका जो असेंशन पाथ है, जो असेंशन मतलब आपकी जो बेहतरी, आपकी स्पिरिचुअल लेवल्स जो हैं बहुत तेज़ी से आप ऊपर जा सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्लैनेट, दैट इज़ वाई। सो आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं वो इस वजह से नहीं आते कि गॉड आपको पसंद नहीं करते या गॉड आपके साथ कोई अत्याचार कर रहे हैं, वो इस वजह से आते हैं क्योंकि आपने ही ये चैलेंजेस एक्सेप्ट किए थे। अगर आपकी लाइफ में बड़े चैलेंजेस हैं दैट मीन्स यू आर बिगर एंड अ मोर पावरफुल पर्सन, तो आपको अपनी पावर को एक्सेप्ट करना है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आउट गॉड एंड सेइंग कि हाय मेरी लाइफ के साथ ये हो गया, हाय मेरी लाइफ के साथ वो हो गया। सो विक्टिमहुड इज़ नॉट द वे माई फ्रेंड्स, सेल्फ साबोटाज इज़ नॉट द वे, यू हैव टू लेट गो ऑफ सेल्फ साबोटाज। आइए एक मेरे साथ चॉइस लीजिए, आई चूज टू कम्प्लीटली लेट गो ऑफ सेबोटाजिंग माई सेल्फ, और आगे जाके अब मैं कभी भी अपने आप को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी और हर्ट नहीं करूँगी। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी हर्ट, अपने अंदर की जो हर्ट है, हो सकता है आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया है किसी ने, हो सकता है उस वक्त आपको नहीं पता था कि आपको अपने लिए खड़े होना है, बोलना है, या आपको हिम्मत नहीं आ रही थी, देन दैट मीन्स आप केवल अपने पास में जाके आप अपने आप को फॉरगिव करिए और अपने आप को नया मौका दीजिए कि अब कोई आएगा देन डेफिनेटली आई विल स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, सो दैट आप अपने लिए एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो कि मैं अपने आप के लिए कोई भी अत्याचार नहीं सहूंगी और मैं आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ हर्ट इनसाइड मी। ऑल्सो देखिए कि अगर कोई बैड बिहेवियर कर रहा है वो आपकी वजह से नहीं कर रहा है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर कोई गुस्से होता है या बैड बिहेवियर में आता है वो उनकी ही चॉइस है, तो आपको केवल उनकी चॉइस को उनके साथ रहने देना चाहिए और अपना काम करके आगे बढ़ना चाहिए। आपको उनको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको उनके दिमाग में घुसने की ज़रूरत नहीं कि ये ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। सो दैट यू आर फ्री, यू आर सेट फ्री एंड यू आर लिविंग इन अ लाइफ ऑफ पीस, जॉय एंड फ्रीडम, ठीक है? सो जब आप इस वाइब्रेशंस में रहेंगे, लव की वाइब्रेशन में, पीस की वाइब्रेशन में, जॉय की वाइब्रेशन में, तब आपके दिमाग में हर्ट और विक्टिमहुड और ये सब तो टिकेगा ही नहीं दोस्तों। और जहाँ पे भी ये हो रहा है आप मिरर एक्सरसाइज अप्लाई करिए। अगर आपको नहीं पता मिरर एक्सरसाइज क्या है, मैंने अपने चैनल में इनर वर्क सीरीज़ क्रिएट किए हैं, आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो इनर वर्क सीरीज़, एंड डेफिनेटली टेक अ लुक एट इट, यू कैन रिपीट इट। आप मिरर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए, और जेफर शिलिया की बुक भी है ट्विन फ्लेम्स फाइंडिंग और अल्टीमेट लवर, उसमें भी ये एक्सरसाइज अच्छे से एक्सप्लेन करी है। दिस इज़ द मेन एक्सरसाइज जिससे आपको अपनी सेल्फ फ्रीडम मिलती है, यू कम इनटू अलाइनमेंट विद योर ओन सेल्फ विच आल्सो अट्रैक्ट्स योर ट्विन फ्लेम नेचुरली। सो इट इज़ एंड इन कंक्लूजन, ये नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम आपको हर्ट कर रहा है। अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है देन दैट मीन्स दैट समवेयर यू आर हर्टिंग योर सेल्फ। जब आप ये अपना जो ब्लॉक है हील कर लोगे और अपने अंदर ट्रस्ट बिल्ड करोगे कि आई विल ऑलवेज बी काइंड टू माई सेल्फ, और मैं अपने लिए परफेक्ट हूँ, मैं अपने आप को खूब प्यार करूँगी और मैं अपने आप को केवल प्यार ही प्यार करूँगी, देन फॉर श्योर योर ट्विन फ्लेम विल रिफ्लेक्ट द सेम, बिकॉज वो मिरर है। जब आप अपने आप को प्यार करेंगे वो भी आपको प्यार करेंगे और आप भी उनको प्यार करेंगे। ओके माई फ्रेंड्स, आई होप दिस इज़ हेल्प्ड यू। मेरी एक वर्कशॉप आ रही है, छोटी सी अनाउंसमेंट है। दिस वर्कशॉप इज़ अबाउट लेटिंग गो ऑफ योर आइडेंटिटीज़। ये मैंने डिज़ाइन करी है नोइंग टीचिंग्स ऑफ तंत्रा एंड टीचिंग्स ऑफ यूनियन, दोनों को कंबाइन करके मैं ये वर्कशॉप कंडक्ट कर रही हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी सम विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, और इसमें बेसिकली कुछ रिचुअल है जिसको हम इंक्लूड करेंगे इन विजुअलाइजेशन, और वो आपको अलाउ करेंगे कि अपनी पुरानी आइडेंटिटीज़, व्हाट डज दैट मीन, कई चीज़ें हमारे पाथ पे हम स्टक होते हैं कि मैं ऐसी थी, मैं ऐसा था, या मैं ऐसी हूँ, या ये हमारा ये हम हिंदुस्तानी हैं वगैरह वगैरह, यू नो 10 टाइप के हमारे दिमाग में टेम्पलेट्स घुसे हुए हैं, और उसकी वजह से हमारी जो ईगो का तो छोड़ो, वो हम स्टक रहते हैं उन टेम्पलेट्स में, हम बाहर निकल नहीं पाते हैं।
सो इन स्टक टेम्पलेट्स को जो हमें सर्व नहीं कर रहे आगे जाके डिवाइन सेल्फ में, आगे जाके न्यू अर्थ में जैसे हम जीना चाहते हैं, इट इज़ एक्चुअली हिंडरिंग यू. एक टाइम पे आपको हेल्प की होंगी बट अब आगे जाके आपको ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ टाइम टू लेट गो ऑफ दिस ओल्ड एंड पास्ट टेम्पलेट्स. जब आप इनको लेट गो करोगे तब न्यू टेम्पलेट्स आएंगी सो दैट आप न्यू अर्थ को बर्थ दे सके, न्यू अर्थ के तौर तरीके के हिसाब से चल सके और आपको किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं, अपने हार्ट को अच्छे से फॉलो कर सके और कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी. ओके माय फ्रेंड्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आप ज़रूर ज्वाइन करिए वर्कशॉप. मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी. डू चेक आउट माय वेबसाइट एंड कीप वॉचिंग द चैनल. सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.